मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज़ योर ग्रामर क्लास एंड माई टूडेज टॉपिक इज चैप्टर 16, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नाउ वट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिंपल पास्ट टेंस कि हम इसमें उन एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं जो कि पास्ट में हो चुके हैं. नाउ वट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वर गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी ऐसे इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा था. सो वी विल यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नाउ व्हाट इज़ इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वाज़ अ वर्ब प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. आईएनजी किसी भी काम में जब कॉन्टिन्यूटी होती है वी नॉर्मली यूज़ आईएनजी ऐड करते हैं उसमें वर्ब के साथ. सो लुक एट द एग्जांपल हियर. दे वर क्लाइंबिंग फॉर 27 डेज. दे सब्जेक्ट, दे के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब को. क्लाइंब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी. नाउ इट्स क्लाइंबिंग फॉर 27 डेज. सो इट्स अ परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सेंटेंस. नाउ In this chapter, we will discuss more about how to form a past continuous and when to use a past continuous tense. Now, you know better singular and plural forms. We always use was with I, you, he, she, it, whereas we use were with we, you, they. Got it? Next is, here are some examples. I was talking on the phone. We were cooking dinner. All these sentences are in past continuous tense. Now discuss about how to form a past continuous tense. Sentence formation. Subject ke saath hum add karte hain was or were ko plus verb plus ing. Like I was working late. You were talking too fast. He was watching television. She was walking to school and it was raining. Whereas we use were with W, U, they. We were singing a song, you were doing your homework, and they were looking for a hotel. Next is, if we have verbs which are ending in an E, jo ki end E se ho rahi hain, then we will drop E. Like, if we have the verb take, make, close. Agar students, hamare paas verb aa jati hai, take, make, close, तो हम क्या करेंगे, ई को हम ओमिट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे और ऐड करेंगे आईएनजी एज यूजुअल इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. लाइक आई वाज टेकिंग द बस टू स्कूल, ही वाज मेकिंग डिनर, दे वर क्लोजिंग द विंडो. हियर टेक टी ए के आईएनजी हो जाएगा, मेकिंग ई ड्रॉप हो गया, आईएनजी ऐड हो गया, क्लोज का ई ड्रॉप हो गया, आईएनजी हो गया. नाउ If we have one syllable ending in a consonant, अगर हमारे पास कोई consonant से end हो रही है verb और proceed कर रही है by a vowel, like sit है, T is a consonant, I is a vowel, okay? Now, then what will we do? We will double the consonant, like I was sitting, sit का बन जाएगा sitting, रन का रनिंग, गेट का गेटिंग, लेट का लेटिंग एंड स्विम का स्विमिंग. हमने क्या किया, हमने कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन क्वेश्चंस. क्वेश्चंस आपको इंटरोगेट फॉर्म में बनाना है, देन व्हाट विल यू डू, यू विल ऐड वाज और वर एट द फर्स्ट प्लेस. बाकी जो है वो सेम रहेगा, वाज और वर प्लस जो आपका सब्जेक्ट है, देन वर प्लस आईएनजी. लाइक वाज आई गेटिंग क्लोज, वर यू रनिंग लेट, वाज ही टेकिंग अ बस. वेयर एज वर को हमने कहाँ करना है, जब हमारे पास सब्जेक्ट वी यू दे में से कोई एक है, देन वी विल यूज वर एट द फर्स्ट प्लेस. लाइक वर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, वर यू अराइविंग बाय फेरी, वर दे ईटिंग देयर लंच एंड सो ऑन. नाउ नेक्स्ट इज इन नगेशन. नगेशन में आपने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. यू हैव टू जस्ट ऐड नॉट विद वॉज और वर. लाइक आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, यू वर नॉट लुकिंग फॉर मी. देन द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर प्लस आई एन जी. नेक्स्ट इज इफ वी यूज वर, हम वर को कहाँ यूज करते हैं, यू नो बेटर विद
अगर हमारा सब्जेक्ट वी है, यू है या दे है. नेक्स्ट इज डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस. कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डब्ल्यू एच टाइप से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ. सो देन द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स. लाइक व्हाट वाज ही प्रिपेयरिंग फॉर, व्हेन वाज आई सॉल्विंग द पजल एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है. सो वॉज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट. द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी द सेम, वॉज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. वॉज और वर्ब को लगा के हमने उसको इंटेरोगेट फॉर्म दे दी और नॉट को ऐड करके हमने उसको नेगेटिव फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया. नाउ व्हेन टू यूज अ पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? फॉर अ टेम्परेरी एक्टिविटी इन द पास्ट. एक पास्ट में एक टेम्परेरी एक्टिविटी हुई थी. इट आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन एट दैट मोमेंट, इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट. इट्स अ जर्नल टॉक जो कि पास्ट में एक ऐसे एक्शन की बात करें कि हुआ था, बट इट वॉज ए टेम्परेरी एक्टिविटी. नाउ अ टेम्प्ररी एक्टिविटी इन द पास्ट बट इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट एक्शन. पास्ट सिंपल टेंस की एक सिंपल जो शॉर्ट एक्शन था उसकी वजह से वो इंटरप्ट हुआ था वो काम. लाइक आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन ही कॉल्ड. वॉज वॉचिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉल्ड सिंपल पास्ट. इट वॉज रेनिंग व्हेन द कार ब्रॉक डाउन. दे वर स्विमिंग व्हेन दे सॉ अ क्रोकोडाइल. नेक्स्ट इज फॉर समथिंग दैट वॉज प्लान बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. एक सर्टेन टाइम से पहले ही फ्यूचर के लिए उस काम को सोच लिया गया था. लाइक आई वॉज फ्लाइंग टू दुबई बट हिज मीटिंग वॉज कैंसल्ड. वरंट यू मीटिंग हर एट द एयरपोर्ट येस्टरडे. दे वर नॉट गोइंग टू दैट कॉन्सर्ट. वो उस कॉन्सर्ट को जा रहे थे बट हर कार ब्रॉक डाउन. लेकिन उनकी कार डैमेज हो गई, खराब हो गई. नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम. In part B, you have to fill up with past continuous tense. While she dashed the clothes, he dashed the garden. While she was ironing the clothes, he was weeding the garden. While they swim in the pool, she jog in the park. While they swimming in the pool, she was jogging. I dashed letters all day yesterday. I was writing. इन पार्ट सी यू हैव टू राइट इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है कि आप वॉज नॉट है, वर नॉट है, उसको वॉज नॉट लिखने की बजाय आप उसके प्लेस पे लिखते हो वॉजंट. लाइक डब्ल्यू ओ एस एन होमा टी. ओके, आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉजंट प्लेइंग. यू वर नॉट राइटिंग, यू वरंट राइटिंग. दे वर नॉट स्टडिंग, दे वरंट स्टडिंग. नेक्स्ट इज इन पार्ट ई यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस. आपको सेंटेंस दिया गया है, Children were watching cricket match. The question will be, what were children watching? Yes, children were watching a cricket match. The question will be, were children watching cricket match? Next is, the teacher was reading a newspaper. What was the teacher reading? And yes, the teacher was reading a newspaper. The question will be then, was the teacher reading a newspaper? In part F, you have to change into interrogative negative form. She was crying. Was she not crying? They were playing cricket. Were they not playing cricket? You were singing classical or contemporary song. Were you not singing classic or contemporary song? Now it's your homework time. I have explained you your chapter very deeply. I hope you get it very well. You have to do the remaining parts of B, C, E, F on page numbers 108, 109, 110 and 112 in your grammar book very neatly. Thank you. Have a great day.